हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। मैं हूं आपका इंडियन फूडी ट्रैवलर। तो आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि ये मिठाई किस खुशी में बांटे जा रहे हैं भाई, तो बताएंगे कैसे नहीं, बताने के लिए ही तो ये वीडियो बनाए, ज़रूर बताएंगे। तो आपको बता दूं कि होली का टाइम अभी चल रहा है, तो अभी होली क्यों मनाया जाता है ये सब तो आप जानते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि होली के कुछ ही दिन पहले राधा कृष्ण की मूर्ति को एक पालकी में बिठाकर पूरी नगर परिक्रमा कराई जाती है और हर एक एरिया में एक एक पंडाल होता है, वहीं से ये पालकी आती है हर एक घर में। हर एक घर में ये पालकी जाती है और वहाँ पे राधा कृष्ण की पूजा अर्चना की जाती है, सम्मान किया जाता है और भोग लगाया जाता है। और भोग को वहाँ पर जो कीर्तन मंडली होती है, पंडित जी होते हैं और पालकी को जो उठा कर लाते हैं उनमें समान भाव में बाँट दिया जाता है और ये बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो इस मिठाई का नाम क्या है आपको पता है क्या? ये मिठाई को आप रसपुरी बोल सकते हैं, हमारे यहाँ इसको रसावली बोलते हैं। आप रसपुरी बोल सकते हैं, रसमलाई बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, पर जो भी नाम दीजिए इस मिठाई का टेस्ट एकदम बेस्ट है भाई। और जो खाए वो पछताए, जो नहीं खाए वो भी पछताए। तो अभी हमारे यहाँ पर 200 रसमलाइयाँ आई हुई है, दो दो करके हर एक आदमी को दिया जाएगा। इसका मतलब हमारा यहाँ पर 100 कप्स बनेंगे, 100 कप्स रसमलाई के बनके तैयार होंगे, जो कि मैं अभी आपके सामने बना रहा हूँ। 50 तो मैंने पहले ही बना दिया है और 50 अभी बना रहा हूँ। तो ये बनकर तैयार होने के बाद हम पहले राधा कृष्ण के पास इसका भोग लगाएंगे, फिर सारे लोगों में इनको बांट देंगे। सो गाइस, क्या वीडियो आपको पसंद आया? जरूर पसंद आया होगा, क्योंकि मिठाई किसको पसंद नहीं आती। तो उसी मिठास के साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आपने पहले से ही इस मिठाई को चखा हुआ है या नहीं। तो मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, वीडियो को एंजॉय कीजिए।